क्या चल रहा है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले 30,000 के गेमिंग पीसी बिल के बारे में। तो यार 30,000 रुपीज़ एक गेमिंग पीसी बिल के हिसाब से बहुत कम बजट है, बट आज की इस वीडियो में जो हम गेमिंग पीसी बिल करने वाले हैं उसमें आप काफ़ी सारे नए ट्रिपल ए टाइटल्स को काफ़ी अच्छे प्लेबल FPS में खेल पाएंगे। तो यार एक गेमिंग पीसी बिल्ड करते समय सबसे ज़रूरी चीज़ जो ध्यान में रखनी पड़ती है वो है कि हम सारे पार्ट्स ब्रांडेड यूज़ करें ताकि वो एक अच्छा आउटपुट दें। और आज के इस वीडियो में जितने भी पार्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ सारे पार्ट्स ब्रांडेड होंगे और सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार बिना टाइम बात करें चलो यार शुरू करते हैं। तो यार शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई सब्सक्राइब कर दो और इस बेल आइकन को दबा दो ताकि यार आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाओ। तो यार आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि अगर आप इन पार्ट्स को ऑफलाइन मार्केट से आप परचेज़ करते हैं तो आपको ये काफ़ी कम रेट्स में मिल जाएंगे, क्योंकि अमेज़ॉन पे मैंने जो नोटिस करा है इन सारे पार्ट्स का रेट काफ़ी ज़्यादा था। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो नेहरू प्लेस में, और अगर मुंबई में रहते हैं तो लैमिंगटन रोड में आपको काफ़ी अच्छे पार्ट्स काफ़ी सही रेट्स में मिल जाएंगे। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप ऑफलाइन ट्राई कीजिए, आपको काफ़ी अच्छे रेट्स पर सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। बाकी आपको सारे प्रोडक्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार पहले गेमिंग पीसी बिल्ड के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रोसेसर, और हमने प्रोसेसर के लिए यूज़ किया है इस टाइम पे इंटेल पेंटियम G4560। तो ये 7th generation प्रोसेसर है। तो यार इसी को हमने क्यों सिलेक्ट किया, तो इसके नज़दीकी जो सबसे टक्कर का प्रोसेसर है वो है कोर i3, जो कि इसके डबल प्राइजिंग में अवेलेबल होता है। और जो इनकी दोनों की परफॉर्मेंस का डिफरेंस है वो कुछ परसेंट से ही है। और जो चीज़ i3 में अच्छी है वो है उसके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, बट यहाँ पे हम इस बिल्ड में एक डेडिकेटेड GPU यूज़ करने वाले, तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स किसी काम के नहीं है। तो इसी कारण से G4560 एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। तो यार इसमें आपको 2 कोर 4 थ्रेड मिल जाते हैं, सेम जैसा कि आपको कोर i3 में मिलते हैं। और इसकी जो बेस क्लॉक है वो है 3.5 GHz पे इंटेल HD ग्राफिक्स 610 के साथ मिलते हैं। इनका जो आर्किटेक्चर है वो है 14 नैनोमीटर का KB लेक। इसकी 3 MB की लेवल 3 की कैश मिल जाती है, TDP है 65 वॉट्स की। और एक सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो ये प्रोसेसर हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट करता है। तो यार और क्या चाहिए, मतलब एक 4600 का प्रोसेसर आपको हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट देता है, और ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि आई सीरीज़ जो i3 i5 i7 ये प्रोसेसर्स अभी तक हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट करते थे, और अब ये प्रोसेसर भी G4560 भी सपोर्ट करता है। इसकी प्राइस है अराउंड 4600, लेकिन अगर आप ऑफलाइन सर्च करते हैं तो आपको हो सकता है आपको कम में मिल जाए। तो भाई मदरबोर्ड के लिए हमने सेलेक्ट किया है इस टाइम पे गीगाबाइट का GA H110MS2। तो भाई ये गीगाबाइट का मदरबोर्ड है, काफ़ी फेमस मदरबोर्ड है, काफ़ी ज़्यादा बिल्ड्स में आपको ये दिखाई पड़ेगा। ये LGA1151 सॉकेट के साथ आता है, सपोर्ट करता है 2133 MHz की DDR4 की रैम। इसमें आपको 2 RAM स्लॉट्स मिल जाते हैं, 4 USB 3.0 के पोर्ट मिलते हैं, इंटेल के H110 चिपसेट को सपोर्ट करता है। और सबसे बेस्ट बात जिसके कारण मैंने इस मदरबोर्ड को सेलेक्ट किया है वो ये है कि इसमें आपको अपडेटेड BIOS मिलता है, और ये चीज़ सबसे बेस्ट है क्योंकि आपको इसमें पहले से अपडेटेड BIOS मिलता है जो 7th generation प्रोसेसर्स को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। ये मदरबोर्ड आपको 4400 के आसपास में आपको अवेलेबल होगा। रैम के लिए हमने सेलेक्ट की है इस टाइम पे Corsair Vengeance LPX 8GB रैम, जो कि है DDR4 2400 MHz वाली। इसकी लेटेंसी है 16 XMP 2.0 को सपोर्ट करता है और 10 साल की वारंटी के साथ आता है। अब भाई इस रैम के प्राइस मैं काफ़ी टाइम से मॉनिटर कर रहा हूँ, और यार इस बिल्ड का अगर बजट थोड़ा ऊपर जा रहा है तो इस रैम के कारण ही जा रहा है, क्योंकि कुछ मंथ्स पहले ही ये रैम 4000 के आसपास में अवेलेबल थी, बट इस टाइम पे ये रैम 7000 की अवेलेबल है। तो अगर आप इसे ऑफलाइन ट्राई करते हैं तो आपको हो सकता है सस्ते मिल जाए। और अगर आप ये रैम यूज़ करना चाहते हैं तो आप कोई भी रैम इसमें यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंपनी की, यह आपकी चॉइस है। मैं कुछ रिकमेंडेशंस नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो 8GB की DDR4 हो, 2400 MHz वाली, बस अब इसके बाद कोई भी रैम यूज़ कर सकते हैं। अब यार हार्ड डिस्क के लिए हमने यूज़ करा है WD की Blue 1TB। अब यार इस हार्ड डिस्क के बारे में तारीफ बस रुकेगी नहीं, यार ये बेस्ट हार्ड ड्राइव है इस बजट में। 7200 RPM के साथ मिलती है, 64 MB का बफर साइज़ है इसका, और 2 साल की वारंटी के साथ आती है। तो यार मतलब इसके ऊपर डाउट करना बेकार बात है, ये बहुत बढ़िया हार्ड ड्राइव है और इसको आप किसी भी गेमिंग पीसी बिल्ड में यूज़ कर सकते हैं। 3200 के प्राइस में ये अवेलेबल होती है इंडिया में,
और यार यहाँ पे हमने कैबिनेट के लिए यूज़ किया है कॉर्सर कार्बाइड सीरीज का स्पेक 4। भाई मिड टावर गेमिंग पीसी है, अवेलेबल है ये 3 कलर्स में, रेड, येलो और ग्रे। साइड टेम्पर ग्लास के साथ आता है, एक LED फैन है और काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। और इस कैबिनेट में गेमिंग पीसी बिल्ड करना जो हम अभी कर रहे हैं ये बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि इसमें आसान है, काफ़ी बड़ा केस है एंड काफ़ी बढ़िया दिखने में भी है, तो ये आपको एस्थेटिक्स वाइज भी काफ़ी ज़्यादा सूट करेगा। एंड यार यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए हमने Corsair की VS450 वॉट का SMPS है, 85% पावर एफिशिएंट है और 3 साल की वारंटी के साथ आता है। 2500 रुपये का ये अवेलेबल है, आप इसे ऑफलाइन भी ट्राई कर सकते हैं, आपको हो सकता है सस्ते में मिल जाए। एंड यार इसको आपने मोस्टली हर गेमिंग पीसी की बिल्ड की वीडियो में देखा होगा, काफ़ी फेमस SMPS है और ये काफ़ी बढ़िया है, तो इसके ऊपर डाउट करना बेकार बात है। अब यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अब हम गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो यार सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे ग्राफिक कार्ड है, और हम एक काफ़ी अच्छा एंट्री लेवल का ग्राफिक कार्ड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास भाई हमें बहुत सस्ते में ग्राफिक कार्ड लाना था, तो यार हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं Zotac का GT 1030। एंट्री लेवल का काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है, 2GB GDDR5 के साथ मेमोरी के साथ आता है। एंड यार काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है, आप काफ़ी पीसी बिल्ड्स में इसे देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इसको तारीफ़ किया जाता है, इसकी काफ़ी बढ़िया ग्राफिक कार्ड है। एंड मोस्टली हर गेम्स को आप मीडियम से हाई सेटिंग से लो सेटिंग, मतलब सेटिंग्स पर डिपेंड करता है, आप काफ़ी अच्छे FPS में काफ़ी बढ़िया गेम्स को खेल सकते हैं। 384 कूडा कोर्स के साथ आता है, मेमोरी क्लॉक है इसकी 6.0 GHz पे, मेमोरी बस विड्थ है इसकी 64 बिट की, मेमोरी बैंडविड्थ है इसकी 56 GB/s, DirectX 12 को सपोर्ट करता है, OpenGL 4.5 को सपोर्ट करता है, OpenCL 1.2 को सपोर्ट करता है, 7900 में अवेलेबल है, आप ऑफलाइन ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी सस्ते में आपको मिल जाएगी। एंड यार ऑल इन ऑल एक काफ़ी बढ़िया GPU है। तो यार यहाँ पे हमारे सारा गेमिंग पीसी बिल्ड ख़त्म होता है। अब इसमें आप काफ़ी बढ़िया तरीके से GTA 5, और मतलब मोस्टली इंडिया में लोग GTA 5 को ज़्यादा कंसीडर करते हैं, तो मैंने इसलिए GTA 5 को आप काफ़ी अच्छे FPS में खेल पाएंगे, और मैं आपके सामने ये बेंचमार्क स्कोर्स दिखा देता हूँ। ये सारी गेम्स 720p में खेली गई हैं और आप एक बार नज़र मार सकते हैं कि ये मीडियम हाई और लो सेटिंग्स में कैसा परफॉर्म करती है। तो यार काफ़ी बढ़िया गेमिंग PC बना है ये, और इसमें आप काफ़ी सारी गेम्स को काफ़ी बढ़िया FPS में खेल सकते हैं, और आपके डे टू डे काम के लिए तो ये बहुत बढ़िया से करेगा। तो यार यहाँ पे हमारी गेमिंग PC बिल्ड होता है ख़त्म। तो मुझे उम्मीद है यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो यार प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, अगर यूज़फुल लगे तो भाई दोस्तों यारों फैमिली फ्रेंड भाई बहन सबके साथ यार शेयर करो, उन्हें भी बताओ यार 30,000 में गेमिंग PC बिल्ड कैसा बनेगा। और भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, वैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, अब प्लीज़ सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब कर दो, आगे मैं ऐसी गेमिंग PC की बिल्ड्स लाता रहूँगा। एंड अभी के लिए इतना ही, मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।